नमस्कार दोस्तों, रामेश्वर बिसेन दाइने सॉल्यूशन से, और आज मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड ब्रेकर इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, स्पीड ब्रेकर इंस्टॉलेशन में जो पहला स्टेज ये होता है कि सबसे पहले हम उस प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं जहां हमें स्पीड ब्रेकर को इंस्टॉल करना होता है। जब हम प्लेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में इस तरह से स्पीड ब्रेकर को बिछा देते हैं जैसा हमारा साथी स्पीड ब्रेकर को बिछा रहा है। बिकॉज हमें होल करना होता है, तो होल करने के लिए वहाँ पे मार्किंग करनी पड़ती है, तो मार्किंग करने के लिए इस तरह से पहले उस रो को बिछाना पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हमारे साथी ने ये स्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा बिछा दिया। अब इसमें हम इसको देखेंगे कि ये पूरा एक सीध में है या नहीं है, वो चेक करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करना है कि यहाँ पर कोई गैप तो नहीं है। तो जब इसको हम बिछाते हैं तो उस टाइम पर इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि सारे आपस में सटे हुए हो। जब ये सारा देख लेते हैं, उसके बाद हमें ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे है बोल्ट लगाना है, हमें इसको मार्क करेंगे। तो मार्कर करने के लिए जो हमारे साथी होते हैं, ये ड्रिल मशीन जो होती है, ड्रिल मशीन से थोड़ा थोड़ा मार्क करते हैं। ये कैसे मार्क होता है, आप जैसे देख रहे हैं, मैं बताया आपको यहाँ पर कि यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से सभी जगह बने हुए हैं, दोनों तरफ बने हैं, एक में दो बने हैं, इस तरफ दो, इस तरफ दो, तो ऐसे ही सब में मार्क अभी हमारे साथी मार्क करके दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, इस तरह से मार्क किया जाता है, जैसे हमारे साथी आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। तो वन बाय वन सभी होल में मार्क किया जाएगा, और मार्क करने के बाद में फिर इसको यहाँ से, अभी आप देख रहे हैं मार्किंग हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा मार्किंग हो गई है। मार्किंग होने के बाद में, ये सारी मार्किंग होने के बाद में फिर इसको एज इट इज़ ऐसे ही हटा दिया जाएगा। इसमें हम दोस्तों डीप होल करेंगे, लगभग 4.5 इंच का होल करेंगे, बिकॉज जो बोल्ट है वो 4 इंच का होगा, तो 4.5 इंच तक का इसमें होल करेंगे, सो दैट कि बोल्ट इजीली जा सके। होल करने के बाद में हम इस इपॉक्सी में हार्डनर को मिलाते हैं, और इपॉक्सी और हार्डनर का सॉल्यूशन बना करके फिर होल में डालते हैं, सो दैट बोल्ट की पकड़ अच्छे से बनी रहे। अब इन दोनों को हमने जिस तरह से बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सॉल्यूशन दोस्तों, हमने दोनों को मिक्स किया है, और इस तरह से ये होल में डाला जाएगा सो दैट बोल्ट की पकड़ मजबूत बनी रहे। पूरी प्रोसेस एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने प्लेस आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सारे स्पीड ब्रेकर को एज इट इज़ जैसे भी आप देख रहे हैं पूरा हमने बिछा दिया। बिछाने के बाद में मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद फिर हमने इसको स्पीड ब्रेकर को एज इट इज़ यहाँ से हटा दिया। अब जो हमने मार्किंग किया था वहाँ पर फिर ड्रिल मशीन से होल किया गया 4 इंच का। अब सारे होल करने के बाद में हर एक होल में रेजिन और हार्डनर का जो मिलाया हुआ सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को ऐसे हर एक छेद में डाल दिया गया। इसलिए डाला जाता है ताकि बोल्ट की पकड़ मजबूत रहे। सब जगह डालने के बाद में फिर हमने एज इट इज़ फिर से सारे स्पीड ब्रेकर को जैसा था वैसे ही मिलाया है हमने। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम स्पीड ब्रेकर को जब बिछाते हैं तो यहाँ पर गैप ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि पकड़ मजबूत बनी रहे। और उसके बाद हमने सारे स्पीड ब्रेकर को एज इट इज़ फिर हमने जहाँ था वहीं रख दिया मार्किंग के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर इस तरह से बोल्ट डालने का काम चालू हो गया। अब ये सारी जगह बोल्ट डाले जाएंगे और इसकी फिर ठुकाई करी जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे साथी ने सारे बोल्ट बिछा दिए हैं, तो ये सारे बोल्ट बिछाए हुए हैं जैसा मार्किंग किया था, होल किया था उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद हर एक बोल्ट की ठुकाई चालू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये बोल्ट है, इनकी ठुकाई हो चुकी है। तो जब ठुकाई करते थे, ठुकाई करने के बाद में ये इस तरह से पकड़ लेता है स्पीड ब्रेकर। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, जब ये बोल्ट की ठुकाई होती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बोल्ट बॉटम तक जाना चाहिए। बॉटम तक जाने का कैसे पता चलेगा, ये फ्लोर और स्पीड ब्रेकर इसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से फिट बैठ जाए तब तक इसकी ठुकाई होती है। और अंदर तक ठुकाई होने का मतलब यह है कि ये पूरे स्पीड ब्रेकर को पकड़ लिया इसने। अगर ये पूरी तरह से नहीं पकड़ेगा और गैप बने रहेगा तो ये हिलता रहेगा, और हिलने से बार बार गाड़ियाँ जाएगी, हिलने से ये टूट जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी पकड़ इसकी मजबूत है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ गैप इसका और इसकी अंदर तक ठुकाई होने से, ये इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा हो जाएगी जब तक ये फ्लोर है तब तक ये स्पीड ब्रेकर टूटेगा नहीं। आई होप आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी लगी होगी। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।